एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, इसके साथ ही फेस्टिवल सीजन और वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो चुके हैं, और उसमें आप अपने लिए नई नई ड्रेसेस जरूर कस्टमाइज करवाएंगे दोस्तों। तो अगर जो आप लहंगा चोली लेने की सोच रहे हैं या आप उसे कस्टमाइज करवाने की सोच रहे हैं, और साड़ी पैटर्न भी आप ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन आप उसकी ब्लाउज किस तरह कस्टमाइज करवाएं, उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने ब्लाउज की स्लीव को किस तरह कस्टमाइज करवा सकते हैं, यानी ओवरऑल उसका लुक कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ब्लैक कलर की ब्लाउज का पैटर्न है, हाई नेक इसका नेक पैटर्न है, और नेट की ब्लाउज है पूरी, तो उसकी फुल स्लीव है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितनी भी ब्लाउज की डिज़ाइन देखने को मिलेगी, चाहे वो आप साड़ी के साथ देखें या लहंगे के साथ देखें, उसमें आपको फुल स्लीव के ही पैटर्न देखने को मिलेगा, जो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। तो आप इस तरह के ब्लाउज कस्टमाइज करवा सकते हैं उसमें फुल स्लीव का। और अगर जो आपको नेक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह का रखें, तो उसमें आप नेक पैटर्न कर सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके साथ ही आप वी शेप भी ले सकते हैं ब्लाउज के नेक में। लेकिन अगर जो आप फुल स्लीव पहनना चाहते हैं, तो इस वीडियो से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह का ब्लाउज कस्टमाइज करवा सकते हैं विद फुल स्लीव, जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत ही प्रिटी भी है दोस्तों। इसके साथ ही इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज के पैटर्न देखने को मिलेगा, प्रिंटेड भी है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, मिरर वर्क है, तो सभी तरह के आपको ब्लाउज के पैटर्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आइडिया मिले कि आप किस तरह के अपने ब्लाउज को कस्टमाइज करवा सकते हैं या चोली को कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो इस वेडिंग सीजन या फेस्टिव सीजन में आप इस तरह के डिज़ाइन जरूर ट्राई कीजिएगा या पैटर्न जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और अगर जो आपके पास पहले से ही इस तरह के ब्लाउज के पैटर्न हैं, तो आप उससे अपने लुक को रिक्रिएट कर सकते हैं, यानी अगर जो आप लहंगे के साथ उसी ब्लाउज को कैरी करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा दोस्तों। फ्रंट जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जैकेट के साथ फुल स्लीव है। तो अगर जो आप अपने ब्लाउज को पूरा फुल स्लीव नहीं कस्टमाइज करवा रहे हैं, तो आप ऊपर से जैकेट अगर जो पहन रहे हो, तो वो फुल स्लीव का ले सकते हैं। तो उसमें आप फैब्रिक अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको कॉटन का फैब्रिक लेना है या नेट पैटर्न का लेना है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह के फुल स्लीव के ब्लाउज कस्टमाइज करवा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको साड़ी का पैटर्न भी देखने को मिलेगा इस वीडियो में, कि आप किस तरह के साड़ी के साथ किस तरह की ब्लाउज या फैब्रिक जो होता है, उसकी आप ब्लाउज फुल स्लीव में कस्टमाइज करवा सकते हैं। अगर जो आप नेट पैटर्न की करवाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में वो पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा, और कॉटन पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा। आप सिंपल फुल स्लीव करना चाहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं दोस्तों। इसके साथ अगर जो चूड़ीदार फुल स्लीव पैटर्न लेना है, तो वो भी आप करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे दोस्तों। तो इस तरह के ब्लाउज जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। फैब्रिक कोई सा भी हो, लेकिन अगर जो आपको फुल स्लीव की ही ब्लाउज कस्टमाइज करवानी है, तो आप करवा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है दोस्तों। और ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है फुल स्लीव की, तो आप इस तरह के ब्लाउज या चोली ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर जो आपको कोई डिज़ाइन पसंद आती है, तो आप कॉमेंट करके भी बता सकते हैं।